नमस्कार। इस वीडियो में हम साइंस का क्लास 9 का चैप्टर देखेंगे। एक एक चैप्टर को देखेंगे, वही पॉइंट को मेनली देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो आप नहीं जान सकते या कंफ्यूजिंग हो सकता है या आप भूल जाते हैं, उसी पॉइंट का रिवीजन करेंगे जिसकी मैक्सिमम या प्रोबेबिलिटी है या ज़्यादा चांस है वो पॉइंट पूछा ही गया कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में। तो उसके बेसिस पे ये चैप्टर का मैं डिस्कशन करूँगा। मतलब कोई पढ़ाने नहीं वाला हूँ मैं, बस पॉइंट को डिस्कस करूँगा। पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंड, जो आसपास हमारे मैटर दिखते हैं ना उसके बारे में चर्चा है इस चैप्टर में। अब स्टेट्स ऑफ मैटर पूछा है तो आपको पता ही है सॉलिड लिक्विड गैस होता है, तो इस सब पॉइंट को मैं डिस्कस नहीं करना है। जब सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी होता है आपको पता ही होगा, गैस का क्या होता है वो पता ही होगा, तो उस तरह की बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे पूछ दिया कि पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, एक पार्टिकल हो गया, दो पार्टिकल, किस में सबसे ज़्यादा होगा? गैस में होगा, लिक्विड में कम होगा, उस मतलब उससे कम होगा, सबसे कम एकदम नज़दीक नज़दीक सॉलिड में होगा, ये सब आपको पता ही होगा। तो मैं इस सब के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके अब भूल जाते हैं या कन्फ्यूजिंग होता है या कुछ लोगों को नहीं पता होता। जैसे देखिए, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है ना, टेम्परेचर का पूछेगा, जैसे मीटर, डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर होता है ना, आपको पता होना चाहिए, किलोमीटर नहीं, ऐसा यूनिट के बारे में बोल रहा हूँ। तो वैसे ही टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट केल्विन होता है, केल्विन, इसको के से डिनोट करते हैं, और ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर लिखा हुआ है 273.15 केल्विन होता है, याद रखिएगा। ठीक, मतलब मान लीजिए किसी 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस, उसको अगर केल्विन में चेंज करना है तो क्या करिएगा, 50 डिग्री प्लस 273.273 ऐड कर दीजिए, जो ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर है। फिर ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है कि लिक्विड, लिक्विड को अगर आप गर्म करते हैं तो क्या वो गैस बन जाता है, हवा में उड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको वेपोराइजेशन कहते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, वाष्पीकरण। और गैस जो हवा में है उसको कंडेंस करते हैं, मतलब एकदम टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाता है। तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, और ये कहाँ यूज होता है? जो जो सैटेलाइट इसरो भेजता है ऊपर में, तो उसमें वही होता है। जो गैस है, मतलब ईंधन जो है ना गैस में होता है, उसको लिक्विड में करके रखते हैं, क्यों? ताकि कम जगह ले, क्योंकि लिक्विड कम जगह लेता है और गैस ज़्यादा जगह लेता है ना, तो उसको किस प्रोसेस के थ्रू होता है? वो कंडेंसेशन होता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आ गया फ्यूज़न, सॉलिडिफिकेशन, मतलब सॉलिडिफिकेशन मतलब कभी भी कोई नाम होगा ना तो वो चीज़ हो रहा होगा, मतलब लिक्विड यहाँ पे सॉलिडिफाई कर रहा है, सॉलिड बन रहा है सॉलिड में। वेपर में क्या हो रहा है? वेपर बन रहा है, मतलब जो नाम में लगा हुआ है ना वो चीज़ हो रहा है, वेपर बन रहा है, तो वेपर मतलब गैस होता है एक तरह से। तो गैस कौन बनेगा? गैस से नीचे कौन आता है? लिक्विड, तो लिक्विड गैस बनेगा। इस तरह से भी याद रख सकते हैं, नामकरण में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये फ्यूज़न बिल्कुल एकदम दिमाग में रख के, फ्यूज़न मतलब सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में अगर चेंज करता है ना, सॉलिड लिक्विड में, तो उसको बोलते हैं फ्यूज़न, फ्यूज़ हो गया। सबलिमेशन, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, जैसे क्या, कैम्फर जो है ना आपका, कपूर उपूर, ये सब चीज़ है ना जो देखते हैं आप जलाते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड वो होता है, गैस हो जाता है वो। लिक्विड आपको कहीं दिखता है आसपास, मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो आसपास लिक्विड दिखेगा, पर ये डायरेक्ट हो जाता है गैस में कन्वर्ट, सॉलिड डायरेक्ट गैस में बन जाता है, तो इसको बोलेंगे अगरबत्ती जो होता है, अब सॉलिड होता है उसको जलाते हैं सीधा लिक्विड बन जाता है, सीधा गैस बन जाता है हवा में, तो उसको क्या बोले, सबलिमेशन, उसको एकदम सबलिमेशन एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, पर याद रखिए जो कैंपर होता है, कपूर उपूर होता है, वो सबलिमेशन हो गया, और सॉलिड से गैस का कन्वर्जन को सबलिमेशन बोलते हैं, और गैस से सॉलिड को डिपोजिशन बोलते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछ देख लीजिए कौन सा है, इसको 2-4 बार देख लीजिए, क्योंकि ये सब पूछता है। फिर पूछ देगा प्रेशर जो होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है पास्कल, ऐसा यूनिट मतलब एक तरह से पास्कल है, और 1 ATM मतलब प्रेशर एट सी लेवल, सी लेवल पे जो 1 ATM का प्रेशर है वो किसके कितना पास्कल के बराबर है? 10^5 पास्कल के बराबर, ये भी पूछ सकता है आपसे। 1 ATM ऐसे लिखते हैं, एटमोसफेयर प्रेशर को लिखते हैं ATM, जो पैसा निकालते हैं ना ATM, वही ATM का बात कर रहा हूँ, 10^5 पास्कल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यही था, देखिए मैटर कितने हैं, 3 है, सॉलिड लिक्विड गैस, और इन सभी के बीच में जो एक मॉलिक्यूल होता है दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, इनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
मतलब जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो किस कारण जुड़े, तो फोर्स और अट्रैक्शन के कारण जुड़े हुए, तो यही नाम है, यही था पॉइंट चैप्टर वन। चैप्टर टू इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब जो हमारे आसपास मैटर जो है ना वो प्योर है क्या। मैटर का मतलब क्या, जिसके पास मास है ना, गैस जो होता है ना उसके पास भी मास होता है, आपको पता होना चाहिए, हवा में है ठीक है, मगर जो जो भी चीज़ जिसके पास मास है वो मैटर है। एलवाई क्या होता है आपको पता ही हो गया, एलवाई के में दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिलाते हैं, मेटल मेटल या नॉन मेटल सबको मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं एलवाई। जैसे कि ब्रास, ब्रास में होता है जिंक और कॉपर, याद रखिएगा। एक होता है ब्रॉन्ज और ब्रास, बहुत ही बेसिक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा एलॉय तो यही दोनों में से मैक्सिमम चांस होता है पूछता है। ब्रॉन्ज में देखिए जेड ई है तो मगर जिंक नहीं मिलेगा उसमें, ठीक ना, जिंक नहीं मिलेगा, ठीक ये याद रखिएगा, जिंक नहीं होगा वो ऑप्शन होगा ब्रॉन्ज का। कॉपर होता है उसमें और टीन होता है, टीन। कंसेंट्रेशन देखिए वही निकालते हैं, कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है, ये दो तीन तरीके से निकलता है, मास बाय मास, मतलब ऊपर भी मास होगा सॉल्यूट का, नीचे सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब वही जो आप मिला रहे हैं, जैसे पानी में चीनी मिला रहे हैं तो उस चीनी सॉल्यूट हो गया है ना, और सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी हो गया, मतलब जो मिला लेता है अपने अपने में मिला लेता है वो सॉल्वेंट है, और जो ऐड कर रहे हैं बाहर से वो सॉल्यूट है, पानी में चीनी को मिलाना, तो मास में ही वॉल्यूम, तो ये जैसे पानी में चीनी को मिलाना के बाद कौन सा कंसंट्रेशन निकालिए, ये निकालिएगा आप, क्योंकि मास आप 1 kg चीनी मिला रहे हैं और उसमें 1 लीटर पानी है, तो मतलब उसका वॉल्यूम है पानी का, मास नहीं है ना। वॉल्यूम का वॉल्यूम मतलब कि नींबू का पानी मिला रहे हैं पानी में, नींबू नींबू मिला रहे हैं पानी में, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालिएगा। तो ये तीन तरह होता है, पूछ सकता है, कम चांस है ऐसी चीज़ें, मगर फिर होता है सस्पेंशन, एक सॉल्यूशन होता है जिसको सस्पेंशन बोला जाता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब ये हुआ जो दो चीज़ मिल रहे हैं ना, जैसे आप चीनी में चीनी को मिलाते हैं पानी में, थोड़ा घोल दीजिएगा तो मिल जाता है, फिर दिखता ही नहीं कि चीनी कहाँ गया है ना, तो होमोजीनियस, वो मिल गया पूरी तरह से, पर आप बालू को मिलाइएगा पानी में तो पूरी तरह से तो मिलेगा नहीं, बालू हमेशा दिखता रहेगा आपको, तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो यही, और इसमें जो पार्टिकल है जैसे कि बालू है वो आप दिख रहा है ना नेकेड आई से, मतलब नंगा, मतलब पूरा एकदम जैसे जीन है वैसे दिख रहा है नंगे आँख से, तो यही है। और वो जो प्रॉपर्टी उसके अंदर जो वो जो छोटा छोटा कण है जो आपको दिख रहा है ना, जो मिला रहे हैं वो लाइट को स्कैटर कर देता है, मतलब इधर उधर छितरा देता है वो, और उसको छोड़ दीजिए तो धीरे 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 उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल है वो नीचे सेटल कर जाता है, ये होता है सस्पेंशन में। कोलाइडल में क्या होता है, ये सब यही चीज़ है, पर इसमें कोलाइडल का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बोलेगा टिंडल इफेक्ट किसमें होता है तब मार दीजिएगा कोलाइडल सॉल्यूशन में, है ना। और यहाँ भी होता है, ये भी कर रहा है और सस्पेंशन, तो पूछ देगा टिंडल इफेक्ट किस में होता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में मार दीजिए और सस्पेंशन में, पर सस्पेंशन में सही से पता नहीं चलता है ना, क्योंकि उसमें पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, तो लाइट जो आया ना बड़े पार्टिकल से चिता के इधर भाग जाएगा, कोई इधर भाग जाएगा, कुछ ही इधर जाएगा, पर टिंडल में बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये जो चित्रा रहा है ना या ऐसे चित्रा रहा है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है, लाइट का छितराना, स्कैटर होना, पार्टिकल से टकरा के ऐसे छितरा जा गया, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो पॉइंट पूछ देगा कि सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का होता है टिंडल इफेक्ट शो करता है, ऑप्शन दे देगा टिंडल इफेक्ट शोन बाई, दो चार वो सोल्यूशन दे देगा, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये सब होगा कुछ कुछ, तो जो कॉपर सल्फेट होगा वो ऑप्शन मार दीजिएगा, है ना। अब हर एक के बारे में आपको तो पता नहीं है कि सोडियम सल्फेट होता है कि नहीं, पर अगर NCERT में दिया तो मोस्ट प्रॉब्ली यही आंसर होगा उसका, है ना। और पूछेगा टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, तो वाटर और मिल्क, दो दूध को आप मिलाते हैं पानी में तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, मतलब। फिर देखिए
तो सस्पेंशन और कोलोइडल, ये जो था आपका, एक एक सस्पेंशन होता है सॉल्यूशन, और कोलोइडल ये सॉल्यूशन का नाम है। मतलब कि आप पानी में कुछ चीज़ मिला रहे हैं, उसके बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है ना, उसको सस्पेंशन बोलते हैं, कोलोइडल बोलते हैं। तो इसमें इसमें सबसे बड़ा फ़र्क एक ही है मेन, कि इसमें ना जो आप छोड़ दीजिएगा तो इसमें जो पार्टिकल छोटे छोटे जो मिलाए हैं वो धीरे धीरे सेटल नीचे नहीं करेंगे, सस्पेंशन में कर जाते हैं पर कोलोइडल में नहीं करेंगे, ये दिमाग में रखिएगा। बहुत तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आप कितना याद रखिएगा। जैसे फॉग होता है, फॉग जो आप देखते हैं ना, वो क्या है, उसमें लिक्विड और गैस एक साथ मिल गया। फॉग क्या हवा में रहता है, तो मतलब हवा में है तो मतलब गैस आएगा, और लिक्विड ड्रॉपलेट की तरह होता है तो लिक्विड है। लिक्विड और गैस के मिक्सचर को फॉग बोलते हैं, पूछ लिया। स्मॉग एक होता है, स्मॉग ये फॉग प्लस स्मोक, स्मोक मतलब स्मोक जो है ना, धुआं के मिक्सचर को स्मोक बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि स्मोक किस चीज़ का मिक्सचर है, तो आपको दिखा रहेगा स्मोक, फॉग प्लस स्मोक, तो मारिए हो जो ऑप्शन। फॉग किसका मिक्सचर है, बोल देगा सॉलिड प्लस लिक्विड का। तो ऐसा थोड़े, फॉग तो आप देखते हैं ना, वो लिक्विड होता है और हवा में रहता है ना, तो हवा में का मतलब क्या, गैस हुआ वो। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो एलिमेंट, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सब है। लस्चर मतलब उस लस्चरस कोई बोल दिया, तो मतलब उसके अंदर साइन है, साइनिंग प्रॉपर्टी है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डक्ट, पूछेगा डक्टाइल। तो एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की या एलिमेंट की, जिसके कारण वो वायर में वायर बना दिया जाता है ना, जैसे कॉपर का वायर पूछता है तो बोलेगा कॉपर का वायर, मतलब उसके अंदर डक्टाइल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ है। फिर पूछेगा मेलिएबल प्रॉपर्टी, थीन सीट में एकदम अल्मीनियम का फॉइल देखते हैं जो खाना वाना में रखते हैं या मिठाई उठाई पे रहता है, कितना पतला होता है, जो अल्मीनियम की मेलिबिलिटी मतलब ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो गई उसके अंदर, है ना, मतलब उसको थीन सीट में कर दिया, तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसको याद रखिए, डक्टाइल मतलब वायर है, मेलिएबल मतलब थीन सीट। ये सोनोरस मतलब समझ में आ जाएगा, साउंड से रिलेटेड है। तो कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को जो मिक्सचर करते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड, मतलब दो कम से कम होना चाहिए, एक है तो मतलब एलिमेंट ही हो गया वो। तो अब देखिए, मैटर था सॉलिड लिक्विड गैस, अब प्योर भी हो सकता है मिक्सचर हो सकता है, प्योर एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, जैसे पानी है, चीनी है, ये सब जो है ना ये कंपाउंड है, क्योंकि इसमें पानी में क्या H2 है, दो है, दो से ज़्यादा है, बल्कि तीन एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक ना। एलिमेंट कितने हुए H2O में, तीन एलिमेंट हुआ, हाइड्रोजन का दो हुआ और ऑक्सीजन का एक हुआ, तो तीन एलिमेंट हुए, दिमाग में रखिएगा। तो प्योर सब्सटेंस ये हो सकते हैं, और मिक्सचर में होता है होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस वही हो गया जो नींबू को पानी में मिला रहे, पूरी तरह से मिल गया, आपको फर्क ही नहीं पता चल रहा, तो वो होमोजीनस मतलब मिल गया एकदम यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हर जगह एक ही तरह का है। चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये यही बोलता है कि मास को जो होता है ना, ना आप बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, बस एक जगह एक तरह से दूसरे तरह में हो सकता है ना। आप अल्मीनियम लिया इतना सारा, उसको पीट पीट के क्या एकदम पतला शीट बहुत बड़ा बना सकते हैं, तो स्ट्रक्चर तो सेम हो कर गया ना, तो यही बात बोल रहा है। अब देखिए, पहला साइंटिस्ट साहब थे हमारे डाल्टन, जिन्होंने एटम के बारे में खोज किया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो एटम को ना तो हम ख़त्म कर सकते हैं ना बना सकते हैं, ये किसने बोला, डाल्टन ने बोला था पहली बार, याद रखिएगा। एटॉमिक थ्योरी जो उनकी थ्योरी थी, उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट बात, जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, जो ऑप्शन आएगा तो आपको बोल पता नहीं चलेगा ये कौन बगे, मगर ये ऑप्शन सब ऐसा होता है जो चार ऑप्शन में से ये सब आपको पता है तो एकदम आंसर फट से टिक मार दीजिएगा। एटम कंबाइनिंग रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ये किसने बोला था, डाल्टन ने बोल दिया था, याद रखिएगा। उसके अलावा एटम दूसरे एलिमेंट का, मतलब चार वो एलिमेंट लिए, हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए, तो इस सब का एटम अलग होगा, ये ना ये मतलब बेसिक है ये, ठीक है। पर इंडिविजुअल मतलब एटम को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं, डाल्टन ने बोल दिया था। स्मॉल होल नंबर मतलब A2 होता है, A2 H2O में देखते हैं हमेशा, H2 आ गया, 2 आया, तो ये क्या होल नंबर है।
ऐसा नहीं है कि एच 1.2 कभी देखें कोई भी कंपाउंड एच 1.2 ओ, तो यही बोल दिया था डाल्टन ने, ही बोल रखा था। एटम क्या है वही, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो अब रेडियस हाइड्रोजन का याद रखिए है ना, क्योंकि ये पूछता है तो डिफॉल्ट पूछ देगा कि एटम का रेडियस क्या होता है, 10^-10। तो ऐसा नहीं अब दिमाग लगाए हाइड्रोजन कुछ नहीं, डिफॉल्ट मतलब हाइड्रोजन ही होता है क्योंकि इसका एकदम छोटा छोटा है ना, तो 10^-10 के रेडियस होता है इसका, याद रखिएगा। ये पूछा भी है क्वेश्चन, वहाँ पे रेडियस नहीं पूछा था, कुछ और पूछा था। अब मॉलिक्यूल क्या है, ये ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम, दो या दो से ज़्यादा एटम के ग्रुप को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। और कंपाउंड क्या था, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को, है ना, समझने की कोशिश कीजिए। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तो देखिए कुछ कुछ फॉर्मूला आप याद रखिए, जैसे अमोनिया है यहाँ पे, इसमें क्या होता है NH3 फॉर्मूला होता है, याद रखिए याद रखिए याद रखिए, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। और इसमें एक चीज़ पूछता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है ना। नहीं इसमें नहीं, किसी और चीज़ में पूछता है, नाइट्रोजन इसमें नहीं है, दूसरा आएगा तो बताऊंगा। याद रखिए NH3 फार्मूला होता है। अब आयन, दो तरह के आयन होते हैं, एनायन होता है जिसमें निगेटिव चार्ज होता है ना, कोई एलिमेंट है अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, इसको बोलते हैं एनायन, है ना, याद रखिएगा एनायन निगेटिव। जैसे NaCl पूछ दिया कि NaCl में एनायन कौन सा है, एनायन, तो आपको समझ में एनायन क्या है, तो निगेटिव चार्ज किस पे होता है, Na+ होता है और Cl- लिखते हैं ना, तो ये एनायन हो गया, समझ रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, एनायन मतलब निगेटिव, एनायन मतलब निगेटिव, तो फिर कटायन मतलब पॉजिटिव, बस एनायन याद रखिए। तो वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी एक एलिमेंट की, एक एलिमेंट ले लिए, अब ये बी से कंबाइन कर पाएगा, ये कौन है उसको, मतलब ये पावर कौन देता है, ये वैलेंसी बताता है। वैलेंसी लेकर आइए, पता चल जाएगा ये बी से कैसे कंबाइन कर पाएगा, कितना इसकी औकात है। देखिए नाइट्रेट का फॉर्मूला याद रखिए, NO3- होता है। अब कंपाउंड कैसे बनाते हैं ये तो आप लगभग जानते हो, नहीं जानते तो पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। देखिए अमोनिया में अमोनियम, देखिए अमोनिया वहां पे था, अमोनिया दिखा देता हूं, उसका फॉर्मूला क्या था, NH3 यहाँ देखिएगा, और यहाँ पे है NH4। अमोनियम में याद रखिएगा, इसके बारे में एक और बहुत ही यूनिक चीज़ है, NH4 में एक कंपोजिट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कोवलेंट, इसमें कंपोजिट बॉन्ड होता है, याद रखिएगा, मतलब थोड़ा याद रखिए, अभी दिमाग मत लगाइए, याद रखिए इसमें कंपोजिट बॉन्ड होता है, ये पूछता है क्वेश्चन। तो यू ने यू से लिखा जाता है ऐसे, यू मतलब यू एक, और जैसे यहाँ पे है मॉलिकुलर मास जो होता है ना, यू से हम डिनोट करते हैं मॉलिकुलर मास, जैसे हाइड्रोजन का क्या है मॉलिकुलर मास, 1U। मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का या कंपाउंड का जो कि इंडिपेंडेंट में एग्जिस्ट कर सकता है ना, मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन H2 एग्जिस्ट करता है ना, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का या कंपाउंड का जो इंडिपेंडेंट में एग्जिस्ट कर सकता है, उसको बोला जाता है मॉलिक्यूल। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि डैश इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंट में एग्जिस्ट कर सकता है हवा में, जैसे हाइड्रोजन तो हवा में एग्जिस्ट कर सकता है, यही बात बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल भी, मतलब ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। चौथा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। पिछले चैप्टर में डाल्टन के बारे में पढ़ा था, अब स्ट्रक्चर निकालते हैं, चार्ज पार्टिकल इन एटम। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, याद रखिए इलेक्ट्रॉन थॉमसन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन JT ET JT ET याद रखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन थॉमसन। गोल्डस्टीन ने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से पॉजिटिवली चार्ज मतलब PG PG किया है आपने,
प्रोटॉन गोल्डस्टीन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन। अगर ज़्यादा ज़्यादा पूछ सकता कन्फ्यूजिंग करने तो पूछे कौन सा एक्सपेरिमेंट था, कैनाल रे था, कैनाल रे। अब पूछ लिया कैनाल रे का मतलब क्या हुआ, कैनाल रे कौन सा चार्ज हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज, याद रखिए। अब स्ट्रक्चर थॉमसन मॉडल बताते, थॉमसन ने क्या इलेक्ट्रॉन को खोजा, ठीक। तो थॉमसन ने ये बोला था कि किसने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ये, है ना, इलेक्ट्रॉन उसमें बिंदु 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 जैसे कि तरबूजा होता है, इसीलिए थॉमसन मॉडल को वाटर मिनरल, तरबूजा को बोलते हैं ना वाटर मिनरल, वाटर मिनरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, वाटर मिनरल थ्योरी बोलते हैं थॉमसन मॉडल को, क्योंकि इसमें क्या है कि तरबूजा क्या होता है, लाल होता है, उसके अंदर बहुत सारे बिया, बहुत ज़्यादा बिया होता है, तो वो जो बिया है ना समझिए वो इलेक्ट्रॉन है, तो बिया जो है ना वो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो यही बोलता है ये। और जो खाने वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, बस यही था। और एटम न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ये थॉमसन ने बोला था। फिर है रदरफोर्ड साहब, रदरफोर्ड ने, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, नाम याद रखिएगा, पूछ लेगा डाल। ये थॉमसन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, तो वाटर मिनरल स्ट्रक्चर, एक तरह से बोलते हैं वाटर मिनरल स्ट्रक्चर, वाटर मिनरल मॉडल था उनका। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इन्होंने ना सोने की बहुत छोटी सी परत, मतलब 1,000 जिसका एटम थिक हो, मतलब मात्र 1,000 एटम थिक था, वो मोटाई थी उसकी। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना, डबली चार्ज हीलियम होता है, अल्फा पार्टिकल होता क्या, बेसिकली ऐसे लिखते हैं उसको, अल्फा पार्टिकल मतलब दो चार, है ना, उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास ये होता है, जिसका मास चार ही हुआ, तो ऐसे लिखते हैं अल्फा पार्टिकल मतलब दो चार। तो अल्फा जैसे कोई कहीं से अल्फा पार्टिकल निकलना है, कोई अब सामान है उसको आप बोलिए अरे इसमें तो अल्फा पार्टिकल निकल रहा, मतलब बेसिकली उसमें से ये चीज़ निकल रहा है, ये चीज़ निकल रहा है, हीलियम निकल रहा है, उसमें से दो एटॉमिक नंबर और मास चार निकल रहा है, ये कह रहे हैं। मतलब जैसे किसी सामान है 16, ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछता भी है ये है, तो बोलेगा अरे इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो मतलब इसमें से बाद में क्या बचेगा, अल्फा पार्टिकल निकल गया तो बचेगा ये, बचेगा ये कोई बी बन जाएगा ये, और टो 14 हो जाएगा, ये बचेगा क्योंकि तो ये निकल गया है ना, दो ये हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, अभी अभी फिलहाल ये है, तो डबली ठीक था वो, तो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे ये पास किया था, अल्फा पार्टिकल देखिए, अल्फा पार्टिकल और गोल्ड का एटम, ये सब छोटा 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 छोटा। तो इसने क्या निष्कर्ष निकाला था ये देखिए, कि जो सब बहुत ज़्यादा है ना, बहुत सारा स्टेट में चला गया, देखिए मैक्सिमम जो गया ना स्टेट में चला गया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारा स्पेस खाली है, कुछ ही है जो इधर घूमे हैं, घूमे मतलब कि बहुत ही कहने मतलब बहुत ज़्यादा छोटा सा ही कुछ है अंदर में, वो क्या होगा अगर उल्टा घूमा है, मतलब ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो पक्का यहाँ पे सेंटर में कुछ पॉजिटिव ही होगा, तभी तो रिपेल कर दिया ना, घुमा दिया, अगर ये निगेटिव होता तो ये तो अट्रैक्ट कर लेता, खा जाता इसको, अपने पास रखता, पर ये घुमाया है, पीछे घुमाया, मतलब यहाँ पे कुछ सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यही बोल रहा है, ये निष्कर्ष निकाला था कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, बहुत छोटा सा स्पेस उसमें है। तो ये याद रखिए, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, और जो छोटा स्पेस सेंटर में उसको न्यूक्लियस भी बोला जाता, न्यूक्लियस बोल दिया था, तो न्यूक्लियस की किसने बोल दिया था, रदरफोर्ड ने बोल दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, फिर प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज, फिर आगे न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड, ये सब दिमाग में रखिए। रदरफोर्ड को ही फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है, इसलिए दिमाग में रखिए, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसको बोला जाता है, रदरफोर्ड को। अब आया बोर्स मॉडल ऑफ एटम, तो जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं ना, घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं, तो ये हर एक ऐसा नहीं कहीं भी घूमेगा अपने मन से घूम घूम घूम, ऐसा नहीं है, वो एक पर्टिकुलर लेवल में घूमते हैं, है ना, जैसे सीढ़ी से आप चढ़ते हैं ऊपर, तो सीढ़ी के इसके कुछ दूरी पे दूसरा होता है ऊपर वाला, है ना, इसके कुछ दूरी पे ऊपर वाला दूसरा होता है, तो यही है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, यही सीढ़ी पे जहाँ पे रुकने वाला वहीं पे आप पैर रखिएगा तो टिकिएगा, अगर बीच में रखिए तो हवा में गिर जाइएगा,
तो यही है, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही है, बीच बीच में मतलब यहीं पर टिका रहता है, सीढ़ी पे जो है ना, समझिए सीढ़ी पे टिका रहता है। इसी को साइंस की भाषा में बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ऑर्बिट है ये सब। इसी एनर्जी लेवल बोलते हैं, जिसको के एलिमेंट से डिनोट करते हैं। के की संख्या, के सेल का पूछेगा एन इक्वल टू क्या होता है, पूछ देता है एग्जाम में, तो एन इक्वल टू वन होता है। एन सेल का पूछेगा एन क्या होता है, अच्छा तो इसको जो ऑर्बिट्स है ना, ये ऑर्बिट है, इसको के एल एम एन ओ पी ऐसे डिनोट करते हैं, एन से मेन समझिए एन ही है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, ये सब साइंटिस्ट का नाम याद रखिए। न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। अब देखिए, जो एक के की वैल्यू है जिसमें एन की वैल्यू एन है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये इस फॉर्मूला से पता चलता है, टू एन स्क्वायर। तो एन इक्वल टू वन है, तो यहाँ पे वन रखिए तो मतलब टू, तो पहले ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे यही है, के में वन होता है, एन इक्वल टू वन है तो दो है, एल में कितना दो होता है, तो उसमें टोटल हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एम एन वैलेंसी क्या होती है, आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और उससे बैलेंसी डिसाइड होती है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटरमोस्ट सेल में, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिथियम आउटरमोस्ट में क्या वन है, तो इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या वन हो जाएगी। बेरियम की वन है, टू है, दो इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, इसकी बैलेंसी भी दो हो गई, पर हमेशा बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंसी बराबर नहीं होगी, क्योंकि किसी का मान लीजिए 8 से थोड़ा ज़्यादा है तो उसके हिसाब से चलता है वो। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही है जो आउटर मोस्ट में है, जो सबसे बाहरी में है, और जो सबसे बाहरी होता है ना अधिकतर 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा। अब जैसे कि कहने का मतलब यहाँ से क्या बोला था, इसका कितना था, एक था आउटर मोस्ट, बैलेंसी भी एक हो गई है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या एक हो गई, पर इसका पकड़िए जैसे दो तीन चार पाँच छ सात, तो इसका क्या है, क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है, और क्या है कि 8, कोई मैक्सिमम 8 रखना चाहता है, सबको ना स्टैंडर्ड है कि 8 के आसपास जाए वो आउटरमोस्ट, आउटरमोस्ट में पूरा फूलो, तो ये 7 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके या आउटरमोस्ट में 8 करना चाहेगा, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, क्लोरीन की 1 हो जाएगी, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 रहेगी। तो यही फर्क है। तो आइसोटोप मतलब ऐसे सब चीज़ों को बोला जाता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, इसको प्रोटियम बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर एक और मास नंबर भी एक है। ड्यूट्रियम, जैसे इसका एटॉमिक नंबर एक, मास नंबर दो है, और ट्रिटियम एक नंबर एटॉमिक नंबर और मास नंबर तीन है। तो ऐसे ही है हाइड्रोजन, इसका आइसोटोप इसको बोलते हैं। फिर आइसोबार क्या होता है, जिसका मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर अलग होगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल दिखा देता हूँ, नीचे दिया है क्या, नहीं है, तो जिसका मास नंबर सेम होता है एटॉमिक नंबर, मतलब ए है एलिमेंट फिर बी है, तो यहाँ जो है ना मान लीजिए 40 है, तो यहाँ भी 40 होगा, ये होगा 15, ये होगा 16, तो ये अलग होगा, मतलब एटॉमिक नंबर अलग होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, तो उसको बोलते हैं आइसोबार। ये सब पूछता है एग्जाम में, एकदम दिमाग में रखिए। 5 नंबर चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फंडामेंटल क्या होता है, न्यूक्लियर सेल है, सब सेल के अंदर में। तो सेल का डिस्कवरी पहली बार किसने किया था, साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, रॉबर्ट हुक थे। इसने क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था, और एक सिडलर एंड स्वान थे, सिडलर एंड स्वान है ना, सिडलर एंड स्वान भी थे, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी किसने दिया था, सिडलर एंड स्वान ने, है ना। रॉबर्ट हुक ने बस सेल को डिस्कवर किया था, बस सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और सिडलर एंड स्वान सेल थ्योरी दिए थे। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो कवरिंग होती है सेल को, जो सेल है उसके ऊपर में जो बाहर में कवरिंग है, वो क्या करता है, इंट्री और एग्जिट को करता है, कोई सामान इसके अंदर जा सकता है और बाहर जा सकता है कि नहीं, ये
पता करता प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। अब देखिए, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब कोई सेल है उसके आसपास पानी ना ज़्यादा मात्रा में हो तो क्या करेगा ना, पानी ये सेल ले लेगा और फूल जाएगा, सेल फूल जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू? उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। हाइयर कंसंट्रेशन से, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन में जो पानी जा रहा है उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोला जाता है। तो सेल फूल जाता है ऐसे केस में, और उल्टा हो जाएगा, मतलब बाहर में कम पानी है, सूखा है, सूखा एकदम, गर्मी ज़्यादा है तो सेल सिकुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें कम पानी भी निकल जाएगा बाहर में, उड़ जाएगा। अगर मीडियम का एग्जैक्टली सेम वाटर कंसेंट्रेशन है सेल के बराबर, तब कुछ नहीं होगा। इस सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसो, आइसो मतलब सेम होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब सेल वॉल, तो सेल वॉल क्या होता है? प्लांट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो होते हैं, रिजिड आउटर कवरिंग जो होती है ना, उसको सेल वॉल बोला जाता है। जो प्लांट के सेल वॉल कहाँ होता है? पहले तो प्लांट के सेल में होता है, याद होना चाहिए। और जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ना, अगर रिजिड, वो रिजिड होती है सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल में मेनली क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो घास में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सेलुलोज होता है, याद रखिए, सेलुलोज होता है प्लांट के सेल में सबसे ज़्यादा। और ये भी ऑस्मोसिस के कारण ही सुकर सकती है। जैसे प्लांट सेल को तो सेल वाल है, वो तो बहुत हार्ड है, हार्ड है, तो इसके अंदर में सेल है, सेल का मेन सामान, तो ये श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्लास्मोसिस बोला जाता है ना, याद रखिएगा, प्रोसेस है प्लास्मोसिस यहाँ पर। मतलब इस प्रोसेस तो है ऑस्मोसिस, पर फिनोमिनन है जो हो रहा है आखिर, ये प्लाज्मोसिस। मतलब ऑप्शन में आ जाएगा श्रिंकेज एंड कंट्रैक्शन, जो सिकुड़ रहा है, फूल रहा है सेल, इसको कौन सा फिनोमिनन बोलते हैं? तो प्लाज्मोसिस बोलिए, लिखिए, टिक मारिए और निकल गया आगे। फिर आ गया क्रोमोजोम। न्यूक्लियस में क्रोमोजोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, यही मेन होता है जो आपको, मतलब आपका जो गुण है अगले जनरेशन में जाता है, क्रोमोजोम ही लेकर जाता है। और क्रोमोजोम में ये जो गुण है लेके जा रहा है, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? वो डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड में होता है। और फंक्शनल सेगमेंट जो डीएनए का होता है, जीन, जैसे क्रोमोजोम हो गया, क्रोमोजोम के अंदर में डीएनए होगा और डीएनए जीन के अंदर में होगा, जीन होगा डीएनए के अंदर में और डीएनए होगा क्रोमोजोम पे, यही मतलब है इसका। फिर देखिए राइबोजोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये आपका राइबोजोम हो गया, इसी से प्रोटीन बनता है। इसके अंदर ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, बैक्टीरिया जो है ना, और प्रोकैरियोट के अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और यूकैरियोट के अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। प्रोकैरियोट मतलब एकदम, मतलब जस्ट वो ऑर्गेनिज्म बना है, मतलब वो उसके अंदर जान आया ऐसा सामान है, वो ऐसा चीज़ है वो, तो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब उसमें बहुत ही मिनिमम चीज़ होता है, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल के अंदर में जो लिक्विड पार्ट है ना, जेली लाइक जो पार्ट है ना, फ्लूड, वो होता है साइटोप्लाज्म। या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दो तरह के होते हैं यार, एक होता है रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ ईआर जो है ना, रफ दिखता है क्योंकि इसके ऊपर ना राइबोसोम होते हैं ना, रफ आई, ये रफ क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो ऐसे से है वो राइबोसोम होते हैं, और ये राइबोसोम पे होता है, वही बताया था, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पर। और ये कहाँ पे होता है? रफ, रफ आर ईआर में होता है। तो सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? ये फैट या लिपिड बनाने में काम आते हैं सॉफ्ट वाले। और ये जो
मतलब इसी यार सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना है, क्या है फैट और लिपिड बना, और फैट और लिपिड जो है ना मेम्ब्रेन जो है ना मेम्ब्रेन सेल का जो मेम्ब्रेन है कवरिंग है उसको बनाने में काम आता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन का बनना बायोलॉजिकल तरीके से है ना। तो लाइसोजम ये है यहाँ पे, ये सुसाइड बैग होता है मतलब फूट जाएगा। गोल्गी अपार्टस, तो गोल्गी अपार्टस में देखिए ये जो है ना गोल्गी, तो ये जो पैरेलल पैरेलल दिख रहे हैं आपको पैरेलल पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल है सब, देखिए गोल्गी अपार्टस में, तो ये सिस्टर्न है, ये सिस्टर्न है, इसको सिस्टर्न बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ जाएगा सिस्टर्न किसका पार्ट होते हैं, या पैरेलल पार्ट ऑफ गोल्गी बॉडीज आर कॉल्ड सिस्टर्न्स, याद रखिएगा। गोल्गी अपार्टस को लाइसोजम के फॉर्मेशन में भी काम आता है गोल्गी अपार्टस। तो लाइसोजम किससे बनता है एक तरह से, उसमें हेल्प कौन करता है, गोल्गी अपार्टस, याद रखिएगा। लाइसोजम में क्या होता है, ये एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, मतलब कि जब चीज़ें गंदी हो जाएगी सेल के अंदर पूरा गंदा, तो ये फट जाएगा और सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है ये, इसीलिए इसको सुसाइड बैग बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये पावर हाउस है, इसमें यही से हमें एटीपी मिलता है, मतलब जो एनर्जी मिलती है किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में मिलता है हमको। और याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं, नॉर्मली एक मेम्ब्रेन हर जगह होता है पर माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वो ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, याद रखिएगा। नॉर्मली सेल में अलग से मतलब नॉर्मली न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए होता है ना, और राइबोसोम ऐसे ही होता है ठीक सेल के अंदर में अलग से, पर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे उसके अंदर में भी डीएनए और राइबोसोम है, ये कहने का मतलब इसका। और एटीपी को एनर्जी करेंसी बोला जाता है, एकदम ये वर्ड एक वर्ड याद रखिए। प्लास्टिड जो होता है ना एक बस प्लांट में होता है क्योंकि उसको कलर दिखना है, और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कलर प्लास्टिक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, जो वाइट या कलरलेस जो प्लास्टिक होते हैं, या तो उजला होगा या उसमें कोई कलर नहीं होगा, तो मतलब उसमें ल्यूकोप्लास्ट है। और प्लास्टिक के अंदर में भी डीएनए और राइबोसोम होते हैं अपना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी डीएनए आयरन है और प्लास्टिक के अंदर भी डीएनए आरएनए अपना। वैक्यूल ये दोनों में होता है, मेन आदमी और पेड़ पौधे प्लांट में भी होता है, पर जो वैक्यूल है ना आदमी का इंसान का या हमारे अंदर वो बहुत छोटा होता है, ठीक ना, मतलब किसके मुकाबले, पेड़ ट्री के मुकाबले। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे होता है अमीबा, एक ही सेल का ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा अपने आप में एक जीवित प्राणी है, इसके अंदर फूड वैक्यूल होता है जिसमें फूड आइटम होते हैं। फिर सेल डिवीजन दो तरीके से होते थे, माइटोसिसिस मियोसिस, जो मैक्सिमम जो सेल डिवीजन है जिसको या बोलते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन, याद रखिएगा ये वर्ड सब, सोमैटिक सेल डिवीजन जो होते हैं ना वो मैक्सिमम क्या होता है, माइटोसिस होता है, याद रखिएगा। तो मियोसिस किसके में होता है देख लेते हैं अभी, देखिए माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होता है, एक से आपको दो मिलेगा, दो नेक्स्ट जनरेशन में मिलेंगे चीज़ें। मियोसिस में एक था, एक से आपको चार मिलेंगे, चार जनरेशन मिलेंगे, मतलब चार बाई प्रोडक्ट होंगे, चार आउटपुट मिलेगा, और माइटोसिस में आपको दो आउटपुट मिलेगा, है ना। कहने का मतलब टू आउट आइडेंटिकल डॉटर सेल मिलते हैं माइटोसिस में, याद रखिए माइटोसिस सबसे ज़्यादा होता है, दो ही मिलने पर, मिलता कम है और ज़्यादा होता है, इसी भी याद कर सकते हैं, उल्टा कम है तो ज़्यादा मिलना पड़ेगा भाई, कम पैसा कोई दे रहा तो ज़्यादा बार दो, दस दिन तक दो, वैसे ही कुछ है। दो है तो इसलिए ये ज़्यादा आ रही है, मतलब ज़्यादा जो हमारे अंदर सेल डिवीजन होता है शरीर में वो अधिकतर माइटोसिस होता है। तो मायोसिस कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन या टिश्यू में होता है ना, जो गैमेट्स होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होता है एक सबका, उसमें होता है ये डिवीजन, सेल डिवीजन। और इसमें चार नया मिलता है, चार हमें मिलता है, देख लीजिए चार। छठा चैप्टर है टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल मिल जाएगा एक साथ तो उसको टिश्यू बोलता है ना। अब जैसे देखिए प्लांट का जो ग्रोथ है ना एक पार्टिकुलर रीजन में होता है, एक स्पेसिफिक रीजन में होता है,
और ये होता कैसे, टिश्यू को डिवाइड किया जाता है जिसको मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो कौन सा टिश्यू डिवाइड करके प्लांट का ग्रोथ करवाता है, तो उसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, याद रखिएगा। तो ये डिवीजन कैसे होता है, मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू के पार्ट टाइप कितने होते हैं, एपिकल मतलब कोने में एकदम नुकीला जो पार्ट, एकदम एंड जो है वहाँ से भी डिवीजन हो सकता है, लेटरल हो सकता है और इंटर कैलरी भी होता है। अब ये क्या क्या है ये सब देखेंगे अभी। तो तीन तरह के होते हैं, देख लीजिए, लेटरल यहाँ पे ऐसे ये डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे इंटर कैली में तो ऐसे ऐसे हो रहा है, और एपिकल ये कोना ऐसे ऐसे एंड में हो रहा है। एपिकल जो होता है ना स्टेम या रूट में होगा ना, स्टेम ही जो आपका तना है, एकदम एकदम यही तो है लास्ट पार्ट एक तरह से, और रूट भी वही काम करता है। लैटरल मेरिस्टमेटिक जो सेल डिवीजन है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, इसको कैम्बियम भी बोला जाता है, याद रखिएगा। किसको कैम्बियम बोलते हैं, तो लैटरल मेरिस्टम, लैटरल लैटरल को लैटरिन को, लैटरिन को बोलते हैं कैम्बियम। परमानेंट टिश्यू, इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब जो आपके सेल वेल बने हैं वो परमानेंट जो ले रहे हैं शेप साइज, ये परमानेंट की तरह जा रहा है, सेटलमेंट हो रहा है उनका, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो पार्ट देख लेते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। सिंपल देखिए, सबसे ऊपर का होता है ना इपीडर्मिस, हमेशा स्किन पे भी जो सबसे ऊपर जो लेयर होता है ना हमारे शरीर पे, उसको भी इपीडर्मिस बोलते हैं। उसके नीचे होता है कोलेनकाइमा, फिर होता है पैरेन्काइमा, फिर फ्लोएम होता है, फिर देखिए जाइलम है, फिर वास्कुलर मंडल है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट याद रखिए इपिडर्मिस, ऐसे याद रखिए, ज़्यादा नहीं याद करने की ज़रूरत है, बस आउटर मोस्ट याद रखिए। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, ये क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है जो कि इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनता है, तब मतलब क्लोरोफिल रहता है जब उसमें, तब उसको क्लोरिन काइमा बोलते हैं, क्लोरिन काइमा। एक्वेटिक एलिमेंट में क्या होता है, एयर कैविटी होता है पैरेन काइमा में, तो इसको क्या बोला जाता है, एरेन काइमा बोला जाता है। अब क्लोरिन काइमा का काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी देना, बेंडिंग जो घूम रहा है, मतलब पेड़ देखते हैं हवा आता है तो थोड़ा झुक जाता है, ये सब किसके कारण हो रहा है, ये क्लोरिन काइमा उसके अंदर टिश्यू है उसके कारण हो रहा है। फिर होता है स्क्लेरेन्काइमा, ये जो आप ये नारियल है, नारियल के ऊपर जो सूखा सूखा हस्क होता है ना, जो सूखा सूखा पार्ट है, वो इसके एक्चुअल में है कि स्क्लेरेन्काइमा, जो डेड हो चुके, खत्म हो चुके, मर चुके हैं, वो होता है स्क्लेरेन्काइमा। पेड़ में जो पोर्स होते हैं ना उसको स्टोमाटा बोला जाता है, स्टोमाटा के आसपास ना दो किडनी शेप में होते हैं गार्ड सेल, ये स्टोमाटा है, इसके आसपास गार्ड सेल होंगे, इसके आसपास मतलब स्टोमाटा को वो मतलब गार्ड काम कर रहे हैं, बंद करते हैं खोलते हैं, इसीलिए इसको गार्ड बोला जाता है, गार्ड। और यहाँ पे एक्सचेंज गैस होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, यही वाटर का जो बाहर निकल जाना है पानी में मतलब पेड़ से, इसी को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन, और ये होता है कि इसके स्टोमाटा से होता है, स्टोमाटा से। क्यूटीन, क्यूटीन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो जिसके अंदर वाटर प्रूफ क्वालिटी है, मतलब इस मतलब वाटर प्रूफ है, वो पानी वानी नहीं लगेगा। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से हैं, जाइलम फ्लोएम दो तरह के होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और आपको पता ही है अब एनिमल टिश्यू पे आ जाता है, एनिमल में भी होता है एपिथेलियल टिश्यू,
कवरिंग या प्रोटेक्शन, जो भी कवरिंग या प्रोटेक्शन देता है ना आउटरमोस्ट लेयर होता है, वो ईपी से याद होगा, ईपी से स्टार्ट होता है। तो इपिथेलियल मतलब कवरिंग या प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो एनिमल बॉडी को, उसको बोलेंगे इपिथेलियल टिश्यू। फिर आ गया सिंपल सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल को ही स्क्वामा मीन्स स्केल। स्किन कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू याद रखिएगा। ब्लड मतलब कंफ्यूज मत कीजिएगा कि कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ब्लड के अंदर में क्या क्या हमने पढ़ लिया, बोन है भी एक कनेक्टिव टिश्यू, वो तो समझ में आ जाएगा। बोन तो समझ में आ जाता है कि एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक समझ में। दो बोन को जुड़े होते हैं लिगामेंट से, और मसल और बोन जुड़े होते हैं टेंडन से, याद कीजिएगा। बोन मसल बोन टू जुड़े होते हैं टेंडन से, याद रखिएगा। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, मतलब एडिपोज टिश्यू में क्या होता है आपका, फैट स्टोर रहता है, याद रखिए। न्यूरॉन जो सबसे छोटा जो पार्ट है, सबसे छोटा जो सेल है ब्रेन में, उसको बोला जाता है न्यूरॉन। ब्रेन में नहीं बोलेंगे, या नॉर्मल जो आपका पल्स ले जाता है दिमाग तक, उसको में होता है सबसे छोटा, उसको बोलते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल बोला जाता है। ये सिंगल लॉन्ग पार्ट है। इसमें होता है सिंगल लॉन्ग पार्ट जिसको एक्सॉन बोला जाता है। ये देखिए एक्सॉन कितना बड़ा पार्ट है, और सबसे साइड में डेंड्राइट, यही है जो हमारे सेल से जुड़ा रहता है, और कुछ भी इसके अंदर हरकत होगा तो ये पकड़ेगा और ये ऐसे ऐसे करके पूरा ब्रेन तक पहुंचा देगा। मतलब पकड़ना जो सिग्नल है ना हमारे शरीर का, कहीं भी कुछ हो रहा है यहाँ से पकड़ाता है और इसके थ्रू पहुंच जाता है हमारे ब्रेन में। चैप्टर नंबर 7 है मोशन। मोशन हम समझते हैं, जो घूम रहा है वो मोशन है, जो रुका है वो भी मोशन है, फर्क है उसका स्पीड 0 है। और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मतलब कोई आदमी एक डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहा है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सर्कुलर मोशन में अगर सेम स्पीड है तो भी यूनिफॉर्म, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, एक्सीलेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बटा टाइम टेकन, वेलोसिटी में बदलाव बटा टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सीलेशन बोलते हैं। कुछ फॉर्मूला याद कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सलरेशन इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस जब आपको दे रखा है क्या, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम, जितना मतलब टाइम के बाद आपको निकालना है, प्लस हाफ ए मतलब डिस्टेंस एक्सलरेशन है, इंटू टी स्क्वायर टाइम। आठवां क्वेश्चन है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन यही है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है यहाँ पे, कि जो वस्तु जिस मोशन में है, अगर वो चल रहा है तो चलते रहना, अगर रुका है तो रुके रहना, इसको बोला जाता है इनर्सिया, है ना। जैसे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे है इनर्सिया का डिफिनेशन, इनर्सिया इनर्सिया एंड मास, रेस्ट इट टेंड टू रिमेन इन रेस्ट, मूविंग इट टेंड टू कीप मूविंग, है ना, ये लिखा हुआ है ना, इट मूविंग इट टेंड टू कीप मूविंग, मतलब जो रुका है वो रुका रहने दो, जो चल रहा है जो चला। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना किसी अंदर, भाई प्रॉपर्टी है ना, इसको ही प्रॉपर्टी को बोला जाता है एनर्सिया। अब मास क्या है, उसके अंदर मेजरमेंट, मतलब जितने पार्टिकल है उसके अंदर उसका मेजर है वो। तो फर्स्ट लॉ में यही था कि कोई आदमी कोई चीज़ चल रहा है तो उस पर अगर फोर्स वोर्स नहीं लगाया जाए तो वो उसी वैसे ही चलता रहेगा, कोई रुका है उसके अंदर में फोर्स वोर्स नहीं लगाया जाए तो वैसे ही रुका रह जाएगा, यही है फर्स्ट लॉ मोशन।
मास एक ऑब्जेक्ट का मेजर करता है इनर्शिया। मास ज्यादा होगा तो उसके अंदर इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम पूछ लेगा, मोमेंटम निकालने के लिए बोलेगा, तो मास इंटू वेलोसिटी, वो कितना से मूव कर रहा है, और मास तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी को बोला जाता है फोर्स। तो मास इंटू, देख लीजिए ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मास इंटू इनिशियल मोमेंटम ये हो गया, माइनस मास इंटू फाइनल इनिशियल ये मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, तो डेट आ जाएगा। मतलब मास इंटू इनिशियल स्पीड, शुरू का स्पीड, फाइनल स्पीड, इसी को बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। तो पूछेगा अप्लाइड फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये नॉर्मली ये सब नहीं दिया रहेगा सेंटेंस में, यही लिखा रहेगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही बोल रहा है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो वो पलट के मारेगा, यही है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन मतलब आप थप्पड़ मार रहे, रिएक्शन मतलब वो सामने। नौवां चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वही जो अर्थ से हम लोग बंधे हुए हैं अर्थ से ना, इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशन फोर्स, उस फोर्स के कारण ही हम अर्थ पर टिके हुए हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, जो कि होता है फोर्स इक्वल टू जी इंटू एक का मास इंटू दूसरे का मास बटा डी स्क्वायर। जी इक्वल टू एफ इक्वल टू जी, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, इंटू एक का मास इंटू दूसरे का मास बट्टा दोनों के बीच का डिस्टेंस डी स्क्वायर, उसका स्क्वायर। तो इस कहने का मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों का मास डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना, स्क्वायर हो रहा है पर उल्टा हो रहा है ना। तो जी जो है ना, जी का यूनिट भी याद कर सकते हैं, न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर इंटू के जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जी स्क्वायर। जी का जो वैल्यू होता है ये भी याद कर दीजिए, 6.67 इंटू 10^-11, ये वैल्यू भी याद रखिए जी का वैल्यू। फ्री फॉल का यही मतलब है, बस छोड़ दिए ऊपर से और वो फील ही नीचे गिर रहा है। तो जी जो है ना ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या आ गई है देख सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, फिर फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो एक क्वेश्चन आता है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या होगा, तो देखिए मास हमेशा ना एम आएगा, कहीं पे भी जाइए आप, सन पे रहिए, मून पे रहिए, अर्थ पे रहिए, कहीं पे रहिए, आपका मास हमेशा एम होगा, मतलब 1 kg तो 1 kg, पर आपका 1 newton वेट बोल दिया तो वो बदल जाएगा, अर्थ पे अलग होगा, मून पे अलग होगा, क्योंकि मून पे, क्योंकि वेट जो है ना मास इंटू जी होता है, तो जी पे डिपेंड करता है। तो अब मून पे जो जी की वैल्यू हो जाती है 1/6 ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू, इसीलिए मतलब 1/6 है अर्थ, मतलब वहाँ पे कम है जी, जी की वैल्यू कम है ना, तो आपका वेट भी कम हो जाएगा 1/6 के हिसाब से, है ना, मतलब आपका मून पे जो वेट है अर्थ के वेट पे 1/6 है, मतलब यहाँ पे अगर 60 newton आपका वेट है तो अर्थ पे या मून पे जाइएगा तो आपका मात्र 10 newton ही वेट होगा। तो देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर उसके डायरेक्शन में, इसको बोला जाता है थ्रस्ट, इसको बोलते हैं थ्रस्ट।
तो ऐसे ही एक होता है अप थ्रस्ट डाउन थ्रस्ट, मतलब ऊपर में जैसे नदी में कोई जा रहा है तैर के, तो ऊपर में जो पानी लगाएगा ना इसके ऊपर, आदमी तैर के जा रहा है इधर, उसको बोलेंगे अप थ्रस्ट। प्रेशर भी कुछ ऐसा ही होता है। थ्रस्ट मतलब थ्रस्ट अभी जो पढ़ा है वो क्या, ऊपर में लगा रहा है ना, तो फोर्स है ये, तो फोर्स ऊपर में लिख दिए फिर तो नीचे में एरिया। प्रेशर यही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो या थ्रस्ट पर यूनिट पर या बोलिए सेम चीज़ है। बॉयंसी, तो जो आप जा रहे हैं कोई सामान रखे पानी में है ना, तो ऊपर में जो फोर्स लग रहा है ना इसी को बोलते हैं बॉयंसी, बॉयंट फोर्स या अप थ्रस्ट बोलते हैं। अप थ्रस्ट इक्वल टू बॉयंट फोर्स होता है, मतलब जो पानी इस ऑब्जेक्ट को ऊपर में लगाएगा, बोलेगा भाई तू निकल पानी को, मेरे को मत दबा, क्योंकि आप जब सामान कुछ रखिएगा पानी के ऊपर मतलब दबेगा, तो वही वो दबने से रोकता है, तो इसी के लिए हम अप थ्रस्ट लगता है उसमें। अप थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन कॉर्क इज ग्रेटर देन वेट ऑफ कॉर्क। तब ये फ्लोट करता है। अगर इसको तैरना है यहाँ पे ना, तो इसके ऊपर जो ऊपर का फोर्स लग रहा है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये ऊपर टिका रहेगा ना। मान लीजिए कमज़ोर पड़ गया, अरे तो ये नीचे आ जाएगा, आप ये ज़्यादा होगा और ये कम हो गया, सिंपल सी बात है। जब पानी पे रखिएगा इसको बॉक्स को, तो ये नीचे लगाएगा कुछ फोर्स और अप थ्रस्ट लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, और ये ज़्यादा है तो मतलब ये ऊपर ज़्यादा जाएगा, मतलब ऊपर में टिका रहेगा। अगर ये कम हो गया तो ये औकात में दिखाएगा और ये इसको डुबा देगा, है ना। अप थ्रस्ट ऑन वाटर और नेल इज लेस देन वेट ऑफ नेल। इसलिए वो सिंक कर जाता है। तो एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज ने इस बोला था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इमर्स होगा ना पानी के अंदर, जब वो पानी के अंदर चला जाएगा तो उतना ही पानी हटाएगा जो उसका वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा, मतलब इस पे उतना ही फोर्स लग रहा होगा। फोर्स अगर निकालना है कि इस पे कितना फोर्स लगा है ना, तो वेट ऑफ फ्लूड जितना डिस्प्लेस हो गया, कहने का मतलब पानी था इतना लेवल तक, अब इसमें आप डाल दिए तो ये पानी का लेवल इतना हो गया ठीक, और इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, तो इतना जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना इसका वेट निकालिए है ना, पानी का पता है इसका वेट निकालिए, तो ये वेट ही बराबर होगा इस पे फोर्स लगने के बराबर, इस पे जितना फोर्स लग रहा है अप थ्रस्ट लग रहा है। तो लैक्टोमीटर जो होता है ना, मीटर के मिल्क के प्योरिटी के लिए होता है पता ही हो आपको, और हाइड्रोमीटर होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए। हाइड्रोमीटर याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालते हैं हाइड्रोमीटर से, और ये दोनों इसी प्रिंसिपल पे होता है, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पे होता है, याद रखिएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है इलेक्ट्रोमीटर हाइड्रोमीटर। चैप्टर 10 है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क क्या हो, क्या होता है, जब आप फोर्स लगाएं किसी पे और इसको डिस्प्लेस कर दिए, मतलब घुमा दिए डी डिस्टेंस तक, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट है, तो मतलब फोर्स लगाएं और डी डिस्टेंस से उसको मूव कर दिए, तो यही होता है एफ इंटू डी, फोर्स जो आपने लगाया और डिस्टेंस मूव, यही होता है वर्क। मतलब आपने एनर्जी लॉस किया भाई, वर्क किया है, काम किया है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यही हुआ वर्क। और इसका यूनिट क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डी का यूनिट क्या है मीटर, फोर्स का है न्यूटन, तो न्यूटन मीटर होता है यूनिट किसका, वर्क का, और इसी को बोलते हैं जूल। न्यूटन मीटर को एक बोल दिया जाता है, एक साइंटिस्ट के नाम पे जूल बोल दिया गया है। तो दो तरह के एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के पास होता है, काइनेटिक मतलब मूवते हुए घूमते हुए, तो ये आप एम बी भी इसको आ रहा है, जिसमें मास एम मास होता है और बी वेलोसिटी होता है। तो कोई चीज मूव कर रहा है ना तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि भी इक्वल टू उसमें वैल्यू आएगा। अगर कोई रुका हुआ है तो उसमें भी मतलब वेलोसिटी या स्पीड कितना है, जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो है। तो जो मूव करता है ना उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है, पता होना चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई हाइट पे है, डिस्टेंस है, जैसे ये यहाँ पे था, अब ये मूव करके यहाँ तक आ गया है ना, तो अपने सही पोजीशन से मूव कर गया ना,
और धीरे धीरे मूव कर दिया, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है ये, अब ये चल नहीं रहा है, ये घूम नहीं रहा है, यहीं पे रखा हुआ है ये, पर ये यहाँ था, अब यहाँ पे रख दिया इसको, तो इसके अंदर एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी आ गया, तभी तो आप इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे ले आइए, रोके रहिए बहुत देर तक, फिर इसको छोड़ दीजिए, तो ये क्यों आगे जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी भरा हुआ है। कौन सा एनर्जी भरा हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी भरा हुआ है, तभी ये ऊपर तक चला जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जब हाइट पे, तो हाइट पे यही निकालते हैं, ये एच तक चला गया, तो इसका मास कीजिए, वेट कीजिए, इंटू हाइट कीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकलता है। कोई भी एनर्जी, मतलब फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स कितना यहाँ पे लग रहा है, एम जी, और एच हो गया हाइट, तो एम जी एच हो गया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एम बी स्क्वायर था, तो ऐसे ही होता है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब यही यही बोलता है कि आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर, ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। कोई आदमी, कोई यहाँ पे स्प्रिंग था, अभी देखे ना तीर में क्या था, यहाँ तक उसको लमड़ा दिए थे, तो उसको छोड़े तो फिर ये तीर को फेंक दिया, मतलब इसका एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गया और ये खुद अपना सही जगह पे आ गया। मतलब उसको लमड़ाने के बाद वो क्यों नहीं रुका रहा वहीं पे, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बचा हुआ है अभी, उसको छोड़ दिए तो तीर तो आगे चला गया एनर्जी लेके, अब वो रुक गया अपनी जगह पर, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी आया लमारने के बाद, वो एनर्जी ख़त्म हो गया तीर को आगे ले जाने में। तो यही बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट आता है, तो इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क आपने क्या किया, काम कितना किया बटा टाइम कर दीजिए, वर्क बटा टाइम, तो यही पावर होता है। 1 किलोवाट, इसका यूनिट होता है ना वाट होता है, पावर का यूनिट वाट होता है, तो 1 किलोवाट क्या होता है, 1000 वाट। किलो मतलब हमेशा होता है 1000, किलो जूल तो 1000 जूल। चैप्टर नंबर 11 है साउंड, तो साउंड किससे होता है, वाइब्रेशन से होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से आपको साउंड मिलेगा। तो साउंड जो होता है ना, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, मतलब साउंड यहाँ पे आप बोलते हैं और यहाँ पे आदमी को सुनाई देता है, तो भाई कुछ तो होगा ना यहाँ से यहाँ तक, तभी तो यहाँ तक आदमी सुन रहा है। तो ये जो साउंड है, जो साउंड का जो एक वेव है ना, ये कैसे यहाँ पे जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ और इस तरह से कंप्रेशन रियरफेक्शन, कंप्रेशन मतलब एकदम यहाँ पे जो पार्टिकल एकदम नज़दीक आ गए और यहाँ पे दूर चले गए, यहाँ पे फिर नज़दीक आ गए, यहाँ पे दूर चले गए, इस तरह से होते होते यहाँ पे जो आदमी है उसको सुनाई देता है ये चीज़ सेम तरीके से। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में कर क्या करता है, कंप्रेशन और रियरफेक्शन को पैदा करता है मीडियम में, और तो इसीलिए बोला जाता है, तो इस तरह से जो एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, कंप्रेशन रियरफेक्शन, कंप्रेशन रियरफेक्शन, इसी को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है, याद रखिएगा साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लाइट जो होता है ना, एक ट्रांसवर्स वेव है, याद रखिए ट्रांसवर्स, लाइट ट्रांसवर्स वेव है। कहने का मतलब पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, मतलब यहाँ का जो पार्टिकल यहीं पे रहेगा, यहाँ का पार्टिकल यहीं पे रहेगा, यहाँ का पार्टिकल यहीं पे रहेगा, बस थोड़ा सा ऑक्सीलेट करेगा अपने पोजीशन के आसपास, ऑक्सीलेट करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, और ये ऑक्सीलेट करके एनर्जी ट्रांसफर कर देगा और आगे में वाइब्रेशन ऐसे ऐसे करके आगे चला जाएगा। और इसमें क्या होता है ना, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ जो वेव जा रहा है साउंड वेव, इधर ही जा रहा है और पार्टिकल का जो मूवमेंट भी इधर ही हो रहा है ना, तो इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल में। और ट्रांसवर्स वेव में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसवर्स वेव, इसमें क्या होता है ना, वेव तो इधर जाएगा पर इसका जो पार्टिकल होगा ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, है ना। इस वाले केस में क्या था, वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में था और मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहे थे साउंड वाले केस में, पर ट्रांसवर्स वेव जैसे कि लाइट होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, जो वेव उसमें है ना वेव परपेंडिकुलर, पर लाइट सीधे जाता है, तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो दिमाग में रखिए ये चीज़, बैठाइए, साउंड है लॉन्गिट्यूडनल और इसमें सेम डायरेक्शन में जाता है वेव, रियरफेक्शन कंप्रेशन सब सेम डायरेक्शन में होता है, और दो रियरफेक्शन के बीच में या दो कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसको वेवलेंथ बोला जाता है, इसको वेवलेंथ बोला जाता है, दो कंप्रेशन
या दो रेयर फैक्शन के बीच में। तो ऊपर में जो है ना, ऊपर में बोला जाता है उसको बोला जाता है क्रिस्ट, और नीचे वाले को पॉइंट को बोला जाता है थ्रो। याद रखिएगा, क्रिस्ट बोल देगा, क्रिस्ट क्या होता है तो हाईएस्ट पॉइंट होता है, और थ्रो बोलेगा तो लोएस्ट पॉइंट होता है। याद रखिए, ये सब चीज़ पूछते रहता है एग्जाम में। लो पिच स्वाइन, देखिए लो पिच स्वाइन, हाई पिच स्वाइन, इसको पहले यहाँ से पढ़ते हैं, क्योंकि पट्टी यहाँ पे वायलिन या ये क्या है, ये फ्रिक्वेंसी बताता है, ये फ्रिक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। वायलिन या फ्लूट है ना, तो वायलिन या फ्लूट मतलब दो वादक से आप एक ही समय में एक ही जगह से आप यहाँ पे बजाइए, और कान में जब पड़ेगा वायलिन या फ्लूट पर दोनों का साउंड अलग अलग सुनाई देता है हमको। क्यों ये हम डिफर कर पाते, क्योंकि एक होता है, क्योंकि पीच के कारण, पीच अलग अलग होती है, और पीच किससे से डिसाइड होता है, फ्रिक्वेंसी से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक होता है श्रीलनेस या लाउडनेस, श्रीलनेस या सॉफ्टनेस, जो कड़वा आवाज़ होता है, ये सब एम्पलीट्यूड से डिसाइड होता है, और पिच फ्रिक्वेंसी से डिसाइड होता है, और पिच से पता चलता है जो हम फर्क कर पा रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, लो पिच का क्या होगा ना, फ्रीक्वेंसी लो होगा, इसमें हाई है फ्रीक्वेंसी, हाई हाई पिच साउंड में हाई फ्रीक्वेंसी, ये सब दिमाग में रखिए। सॉफ्ट साउंड में एम्पलीट्यूड कम होगा, देखिए इसका हाई एम्पलीट्यूड है लाउडर साउंड में, मतलब जो प्रॉपर्टी ज़्यादा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, पर डिपेंडेंट कौन किस पे ये देख लीजिए। लाउडनेस और सॉफ्टनेस डिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड पे, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा लाउडनेस, एम्पलीट्यूड कम सॉफ्टनेस, तो वो चीज़ ठीक है, पर कौन किस पे प्रॉपर्टी ये डिपेंड नहीं है, सब एग्जाम में पूछता है, तो दिमाग में रखिए। सिंगल फ्रीक्वेंसी को टोन बोला जाता है, कि बोले टोन ऑफ दिस सिग्नल, इस सिग्नल का टोन इतना है, तो मतलब उस फ्रीक्वेंसी बताना है, टोन मतलब फ्रीक्वेंसी बता रहा है, एक फ्रीक्वेंसी के बारे में बोलेगा, है ना। अगर यही बहुत सारे फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो उसको नोट बोलते हैं, है ना। तो साउंड भी एक तरह से लाइट की तरह है, मतलब यहाँ से साउंड गया और टकराया यहाँ पे, और यहाँ से टकराया और फिर इस इधर आ जाता है सेम, तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर या आई इक्वल टू आर हो जाता है। तो यही सब साउंड भी सेम तरीके से काम करता है। तो इको, इको क्या होता है ना, अगर ओरिजिनल साउंड और जो रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में अगर डिफरेंस कम से कम 0.1 सेकेंड है, तो आपको इको मिल सकता है सुनने को। और डिस्टेंस जो होता है, कम से कम आपको 34.4 मीटर होना चाहिए डिस्टेंस, कहने का मतलब टोटल डिस्टेंस जो साउंड आ रहा है, मतलब आपके और जो वाल लगा हुआ है कोई जहाँ से टकरा के आ रहा है उसके बीच में 17.2 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, 17.2 मीटर, ताकि साउंड इधर से गया फिर इधर से आया, तो उस समय टोटल डिस्टेंस कितना साउंड ट्रेवल कर लिया, 34.4 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट रखिए, इको के लिए कितना सेकंड कम से कम होना चाहिए, 0.1 सेकंड। डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 34.4 मीटर टोटल, और नॉर्मली ये ऑप्शन में नहीं माना जाता है, 17.2 माना जाता है, क्योंकि आप पूछेगा कि वाल कितना दूर पर होना चाहिए, तो वाल तो 17.2 में ही दूर होना चाहिए ना। तो ये बात है इको के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवर्बरेशन, तो रिपीटेड रिफ्लेक्शन जो होता है ना साउंड का, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। जैसे बहुत बड़ा हॉल है और नॉर्मल बना दिया, तो उसमें क्या हुआ ना, एक आदमी यहाँ बोला तो ये सुनाई दिया, फिर ये टकरा के गया, फिर यही सुनाई दिया। कभी कभी देखते हैं गवाज, इसको बोलते हैं गूंजना, बोलते हैं गूंजना, रिपीटेड रिफ्लेक्शन के कारण, तो गूंजना तो गूंजता है ना आवाज, एक बार बोल दिया 10 बार उस आदमी का सुनाई दे रहा, तो ये क्या है, ये यही रिवर्बरेशन है। रेंज ऑफ हियरिंग, आपने पढ़ा ही है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है ना, ये हम सुन सकते हैं, हमारा कान, हम लोग इंसान सुन सकते हैं। तो इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, मतलब 20 हर्ट्ज से जो कम होता है ना, इसके 20 हर्ट्ज से जो कम हुआ इधर, मतलब 0 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज, 0 तो मतलब नहीं है, 1, 2, 3, 4 से 20 हर्ट्ज, उसको बोले इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा इधर होगा, उल्टो बोले अल्ट्रासाउंड, इधर बोलेंगे इंफ्रासाउंड, यही कहने का मतलब। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हम सुन सकते हैं।
तो देखिए अल्ट्रासाउंड कौन कौन सा एनिमल निकाल सकता है, याद रखिए डॉल्फिन निकाल सकता है, बैल चमगादड़ भी निकाल सकता है, पोर्पोइस भी निकाल सकता है। और ये सब अंधे होते हैं ऑलमोस्ट, तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं नेविगेशन मतलब घूमने फिरने के लिए। इनको नहीं दिखता, आँख वाँख नहीं है इनका, आँख फोड़ दिया गया है मतलब है नहीं। तो अल्ट्रासाउंड का कुछ यूज होता है, अब डिटेक्ट जैसे यहाँ पे कुछ टूट गया है ना, मतलब अंदर में बहुत बड़ा बॉक्स था लकड़ी है, इसके अंदर में कोई क्रैक है कि नहीं पता चल जाएगा। आप अल्ट्रासाउंड को इधर से भेज दीजिए, कुछ जगह पार हो जाएगा, अगर कहीं पे बीच में क्रैक नहीं है तो पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। कहीं क्रैक आ गया तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो मतलब इधर में नहीं मिला, आपको सेंसर लगा हुआ इधर इधर नहीं मिला, मतलब क्या है कि यहाँ पे क्रैक है। तो अल्ट्रासाउंड का अप्लीकेशन अल्ट्रासोनोग्राफी है ना, अल्ट्रासाउंड जो आप यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी ना, तो अल्ट्रासाउंड की वेव से उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बाद में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिससे इमेज बनता है। अल्ट्रासाउंड जो आप देखते हैं ना स्क्रीन पे इमेज इमेज बनते हुए, तो अल्ट्रासाउंड भाई रिफ्लेक्शन होता है, टकरा के आया साउंड मिला, उस साउंड को उस वेव को मतलब आपने भेजा किसी सामान पे, वहाँ से टकरा गया है कोई इंस्ट्रूमेंट पे, कोई सेंसर पे टकराया, तो फिर वो क्या किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको इमेज दिखेगा ऊपर। 12वां चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो इम्प्रूवमेंट करना है हमें, तो वेराइटी वेराइटी लाला के ना हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वेराइटी लाने कुछ क्या है, ब्रीडिंग मतलब हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड क्वालिटी का लेके आएंगे है ना, जो या तो कम समय में फल दे दे या बहुत उच्च क्वालिटी का फल दे, उसके जीन में हम बदल देते हैं तो हाइब्रिड क्वालिटी का बन जाता है, सुनते भी होंगे आप आजकल। तो हाइब्रिड चीज़ हमेशा अच्छा ही मतलब ख़राब होता है ऐसा ज़रूरत नहीं है, अच्छा भी होता है। तो सॉयल जो है ना, सॉयल जो प्लांट है ना, देखिए तो क्या क्या चाहिए, तो मैक्रो जो अच्छा क्वालिटी मतलब ज़्यादा क्वालिटी में चाहिए प्लांट को, मैं तो एनपीके, आपने फर्टिलाइजर सुना होगा एनपीके फर्टिलाइजर, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है ना, तभी हम अलग से फर्टिलाइजर देते हैं यूरिया करके। तो एनपीके फर्टिलाइजर अलग से इसीलिए दे दिया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए ग्रो करने के लिए प्लांट को है ना, और कम क्वांटिटी में मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये सब पूछता है कि कौन सा एलिमेंट है मैक्रो न्यूट्रिएंट है शरीर के लिए प्लांट के लिए, तो ये सब आपको दिमाग में होना चाहिए। कैल्शियम ज़्यादा होता है, मतलब बस एनपीके फर्टिलाइजर याद रखिए, इसी से आपका क्वेश्चन मोस्ट प्रोबली बन जाएगा। फिर कम क्वांटिटी में क्या क्या चाहिए, आयरन कम चाहिए, जिंक भी कम चाहिए, कॉपर भी कम चाहिए, फिर याद रखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ज़्यादा चाहिए, मैग्नीस कम चाहिए है ना। आजकल बहुत सारा ऑर्गेनिक तरीका आ गया है, नेचुरल तरीका, जिससे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट नॉर्मल आप गोबर का रख दीजिए, फेंक दीजिए कहीं पे, धीरे धीरे वो सरगल के खाद में बन जाएगा। तो वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, ऐसा कंपोस्ट जिसमें आपने अर्थ वर्म का यूज़ किया है ना, अर्थ वर्म का यूज़ किया है उसको पचाने, उसको खाद बनाने में, उसको बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। तो मतलब याद दिमाग में हमेशा रखिए अर्थवर्म का यूज़ हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल इतना चर्चा है, इरिगेशन, इरिगेशन के तरीके मैंने बताया था बहुत सारा यूज किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो देख ली इसमें देख लेते हैं। वेल्स है, कनाल्स है, ये सब की हेल्प से भी आप इरिगेशन कर सकते हैं। रिवर लिफ्ट सिस्टम है जिसकी हेल्प से आप इरिगेशन कर सकते हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट में कुछ चीज़ होता है, जैसे एग में याद रखिए फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 12 होता है, मतलब वैल्यू मत याद, फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब क्वेश्चन पूछता है ऐसे कभी कभी और आपको पता नहीं होता है कुछ भी, ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ दिए, मगर ये क्वेश्चन जो करते हैं उनका होना ही होना होता है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है, तो अगर पूछेगा ऑप्शन में ना तो यही सब रहेगा, मोस्ट बहुत ज़्यादा चांस है कि यही सब रहेगा। उसमें बोला गया फैट की मात्रा नीचे वाले जो दिए गए हैं खाना का पदार्थ उसमें सबसे ज़्यादा किस में है, तो एक मार दीजिएगा। प्रोटीन पूछेगा तो मीट में मार दीजिएगा, ये कहने का मतलब है, इसलिए ये दोनों को याद रख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी में यही दो एग्जांपल, यही चार के बारे में बताया, तो बहुत ज़्यादा चांस है यही पूछेगा। एनिमल हस्बेंड्री, तो
तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल जो है ना उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, मतलब साइंस का हेल्प करके आप एनिमल को पालन पोषण कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। कैटल फार्मिंग दो चीज़ के लिए होता है, मिल्क के लिए होता है या उसको दौड़ाने के लिए, जैसे बैल को क्या किस चीज़ के लिए करते हैं, बैल को हम लोग करते हैं ना कि खेत जोते हैं, और गाय को करते हैं वो दूध दें। पोल्ट्री फार्मिंग ये किया जाता है एक के लिए है ना, या मीट के लिए। तो देखिए याद रखिए, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम तो दो मतलब कि ब्रीडिंग आपको याद रखना पड़ेगा, जो हमारा देसी है एक नस्ल है असील, और जो बाहर का है वो लेगहॉर्न है। ये दोनों मुर्गी का याद रखिए, ये जो है ना विदेशी है ये देसी मुर्गी है। एग्जाम्पल वो कभी कभी पूछ लेता है, बस ऐसे ही पढ़ लीजिए, बस इसको दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में रखें। जो मैरिन फिश है तो मैरिन फिश का जो प्रोडक्शन है उसको देख रेख है उसको बोला जाता है मैरी कल्चर। पीसी कल्चर जो होता है ना, पीसी कल्चर वो मछली का प्रोडक्शन का मतलब, तो यहाँ मैरिन है, मैरिन मतलब ऐसा नहीं कि मछली है, बहुत सारी चीज़ें आती है ना मरीन में, घेंगा फेंगा सब आ जाएगा। पीसी कल्चर हो गया मछली का। फिर होता है एक सेरी कल्चर, कॉटन के मतलब कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है सेरिकल्चर। फिर हो गया आपका, ऐसे ही होता है बहुत सारे। तो सेरिकल्चर जो था ना, सेरिकल्चर कॉटन बोलिए या सिल्क वॉर्म बोलिए, सिल्क वॉर्म ताकि सिल्क निकले, तो यही है सेरिकल्चर। फिर देखिए लोकल वैरायटी ऑफ बीज, बीज जो है ना बी को बोलता है एपिकल्चर, इसीलिए बोल जाते हैं कि एपिस सेराना इंडिका, ये हमारा लोकल वेराइटी ऑफ बी है। तो पूछ देगा ऑप्शन में, ये एडवांस क्वेश्चन सबका ये, ये लोकल वेराइटी ऑफ बीज कौन सा है फॉलोइंग में नीचे दिए में से, तो एपिस कल्चर इंडिका, एपिस सेराना इंडिका हमारा लोकल बीज है जिसको इंडियन बी भी बोला जाता है। और बी का जो कल्टिवेशन, बी का मतलब कि फार्मिंग जो करता है, जो हनी निकालने का एकदम फार्म लगा रखा है, तो इस चीज को बोला जाता है एपिकल्चर। तो ये था टोटल 12 चैप्टर क्लास 9 का। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे क्लास 10th के साइंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।